स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने क्वार्क के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें से क्वेश्चन इलेवेंथ क्लास से लेके आपका एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन एम सी की क्वेश्चन में पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड चैप्टर को कवर करते हैं इलेवेंथ क्लास के यूनिट एंड मेजरमेंट तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें आप फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में स्टडी करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट यूनिट क्या होता है इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ़ द मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट यूनिट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेजरमेंट का जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको शुगर टेन के जी शुगर एक क्वान्टिटी होता है और आपका टेन इज ए नंबर होता है और किलोग्राम इज यूनिट होता है तो इसको हम फर्दर टॉपिक्स में कवर करेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड टॉपिक्स आता है आपका मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है इट इज़ डिफाइंड एज द कम्पेरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी एंड होमोजीनियस क्वांटिटी यह है आपका कंपेरिजन होता है दो क्वान्टिटियों के बीच का कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और होमोजीनियस क्वांटिटी तो हम पहले डिस्कस करते हैं होमोजी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में भौतिक मात्रा कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द क्वान्टिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यह क्वांटिटी वो होती है जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल मास लेंथ टाइम वेलोसिटी ईटीसी लाइक जैसा कि मैंने बताया एक्स इज इक्वल टू एन यू एक्स कोई क्वांटिटी है एन कोई नंबर है और यू कोई आपका यूनिट है जैसे कि हमने कोई रोप ली रस्सी एक रस्सी है उसका हाइट या लेंथ उसका दे रखा है आपका फाइव फीट तो रोप जो हो गया स्टूडेंट्स रोप आपका इसमें क्वांटिटी हो जाता है फाइव इज नंबर हो जाता है और फिट आपका क्या हो जाता है यूनिट हो जाता है तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वांटिटी के बारे में एक क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग क्वांटिटी जो होती है कुछ भी हो सकता है विच कैन बी मेजर्ड जिसे हम माप सकते हैं दे आर आर टू टाइप्स फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वान्टिटी एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड क्वान्टिटी फंडामेंटल क्वान्टिटी क्या होता है देखिए ए क्वान्टिटी विच ड्राइव्ड बाई अदर क्वान्टिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वान्टिटी एक क्वान्टिटी होती है जिसको ड्राइव किया जाता है दूसरी क्वान्टिटियों से इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वान्टिटी लाइक आपका एग्जाम्पल मास लेंथ टाइम दीज आर द फिजिकल क्वान्टिटीज अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में ए क्वांटिटी विच इज़ ड्राइवड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी एक क्वांटिटी होती है जिसको ड्राइव किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी से इज़ कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी लाइक एग्जांपल स्पीड होता है स्पीड जैसा कि आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन माई टाइम और डिस्टेंस किसका यूनिट होता है लेंथ का और टाइम किसका यूनिट होता है टाइम का यूनिट सेकंड होता है तो डिस्टेंस हो गया अपॉन में टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम इट मींस दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम सिंस द फिजिकल क्वांटिटी स्पीड होता है कैन बी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स आपका फंडामेंटल यूनिट्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं केवल फोर टाइप्स के बारे में पढ़ोगे लेकिन जैसे जैसे आप लोग हायर एजुकेशन में जाते हो लाइक like इंजीनियरिंग में जाते हो तो इसका सिस्टम बढ़ा चला जाता है फाइव हो जाते हैं सिक्स हो जाते हैं तो देखिए हम पहले यहाँ पर क्या पढ़ते हैं देखिए सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहला सिस्टम आता है सी जी एस सी जी एस का फुल फॉर्म क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यह दिस इज कॉल्ड द गोशन सिस्टम गौशन सिस्टम बोला जाता है इसको सी जी एस सिस्टम को गौशन सिस्टम बोला जाता है सेकेंड आता है एम के एस एम के एस में होता है एम स्टैंड फोर मीटर के स्टैंड फोर किलोग्राम एस स्टैंड फोर सेकेंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम एंड आपका थर्ड सिस्टम आता है एफ पी एस एफ स्टैंड फॉर फुट पी स्टैंड फॉर पाउंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम एंड द फोर्थ सिस्टम एस आई इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें आपका क्या होता है दो टाइप्स का यूनिट होता है देखिए लाइक मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिनका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड एम्पियर कैलविन मोल और कैंडला एंड अनदर यूनिट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। स्टूडेंट्स इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स का बाद में रिसर्च किया गया और इनको बाद में ऐड किया गया जैसे कि प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होता है स्ट्रेडियन स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एरिया का तो देखिए वैसे अगर हम बात करें डेफिनेशन के बारे में तो मास क्या होता है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास मास लेंथ टाइम इन सब का डेफिनेशन के बारे में हम फर्दर टॉपिक्स में स्टडी करेंगे लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया मास इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज कंटेंट इन ए बॉडी सेकेंड आता है लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ टाइम क्या होता है टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टाइम रीड्स एज ए क्लॉक विच रिपीट रेगुलरली आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड एरिया क्या होता है विच हैविंग द टू डायमेंशन आर प्रेजेंट लेंथ एंड ब्रेथ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मास के बारे में मास क्या होता है मास की टू टाइप्स का यूनिट होता है एक लार्जर यूनिट होता है एक स्मॉलर यूनिट होता है तो लार्जर यूनिट में हम स्टडी करते करते हैं फर्स्ट टन टन क्या होता है आपका दैट कैपेसिटी इज किलोग्राम इक्वल टू टन उसका कैपेसिटी किलोग्राम बराबर किसके होता है टन के होता है सेकेंड आता है क्विंटल दैट इज इक्वल टू हंड्रेड किलोग्राम इट क्विंटल इज इक्वल टू होता है हंड्रेड किलोग्राम के बराबर स्लग स्लग होता है आपका 14.5 किलोग्राम के बराबर पाउंड की अगर हम बात करें तो पाउंड होता है आपका 0.453 किलोग्राम के बराबर और सी एस एल सी एस एल होता है चंद्रशेखरा लिमिट जो कि इक्वल होता है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन ओके स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम स्मॉलर यूनिट्स की स्मॉलर यूनिट होता है मास का ए एम यू एटोमिक मास यूनिट क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट इट इज द वन अपॉन में ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द कार्बन ऑफ एटम ये क्या होता है आपका मीन्स एक बट्टा ट्वेल्थ वा पार्ट होता है कार्बन के एटम का जिसे हम स्मॉलर यूनिट बुक के नाम से जाना जाता है मास की ए एम यू अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लेंथ की लेंथ क्या होता है देखिए लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर ओके okay? तो स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट टू टाइप्स का यूनिट होता है इसमें तो देखिए क्या है आपका फर्स्ट फर्मी जो कि होता है टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं एंगेस्टर्न एंग होता है आपका टेन की पावर माइनस के टेन मीटर अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हंड्रेड से डिवाइड हो जाता है तो क्या बनता है टेन की पावर माइनस एट अपॉन में हंड्रेड सेंटीमीटर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर होता है टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर नैनोमीटर होता है टेन की पावर माइनस नाइन मीटर और एक्सरे यूनिट होता है आपका टेन की पावर माइनस थर्टीन मीटर दीज आर ऑल स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड स्टूडेंट्स अब हम लार्जर यूनिट्स के बारे में बात करते हैं लाइक लाइट ईयर लाइट ईयर आपका क्या होता है वो फर्दर टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे लेकिन क्या होता है कि मीन्स जो लाइट का लाइट होता है वो एयर वैक्यूम के अंदर एयर या वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है टोटल उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे तो लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन की पावर फिफ्टीन मीटर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन की पावर इलेवन मीटर और पैरा सेकेंड होता है आपका थ्री पॉइंट जीरो एट फोर इंटू टेन की पावर सिक्सटीन मीटर विच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन इंटू टेन की पावर सिक्सटीन मीटर अब लास्ट टॉपिक रह गया स्टूडेंट्स एरिया एरिया का स्मॉलर यूनिट होता है बैरन जो कि होता है टेन की पावर माइनस ट्वेंटी एट मीटर स्क्र और लार्जर यूनिट होता है एरिया का एकड़ टू मेजर द लार्जर एरिया एंड वन एकर इज इक्वल टू फोर थाउजेंड फोर्टी सेवन मीटर स्क्वेयर और अनदर होता है हेक्टेयर हेक्टेयर एंड कितना होता है टेन रेज टू पावर फोर मीटर स्क्वेयर ओके अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो जैसे कि आपका सोलर डे और आपका लीप ईयर डेज ये टाइम्स का यूनिट होता है आपका तो स्टूडेंट्स अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं जो कि आपका फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर है देखिए आपका पहला होता है मास मास क्या होता है आपका देखिए इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेंट इन ए बॉडी ये क्या होता है क्वांटिटी होता मैटर का क्वांटिटी होता है जो इकट्ठा होता है किसी बॉडी के अंदर इज कॉल्ड मास अगर हम मैटर की बात करें स्टूडेंट्स तो नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि व्हाट इज़ मैटर कि जब मैटर इज दैट स्पेस विच ऑक्यूपाइड द स्पेस मैटर इज विच ऑक्युपाइड द स्पेस लाइक एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक गिलास पानी का लीजिए आप उसको आ, आप उसको नीचे फर्श पर डाल दीजिए वो पानी जितना के कवर करेगा वो होता है मैटर वो होता है मैटर ओके okay? तो क्या होता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास अब बात करते हैं हम सेकेंड की लेंथ क्या होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ नाउ टाइम क्या होता है टाइम इज ए क्लॉक विच रिपीट इट सेल्प आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम और थर्मोडाइनामिक्स क्या होता है टू कन्वर्जन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मेज एक सिस्टम होता है जो हीट को कन्वर्स करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जैसे कि हम एक गर्म ग्लास का दूध लेते हैं जिसको किसी पानी भरे बाउल के अंदर रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू विल बी ऑब्जर्व दैट द मिल्क विल बी कूल एंड वॉटर विल बी हॉट एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडाइनामिक्स अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ये क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम जिसको डिनोट किया जाता है किससे आई से अब है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटांस अमाउंट ऑफ सब्सटांस होता है एक क्वांटिटी होता है विच मेजर द एलीमेंट्री पार्टिकल्स एक क्वांटिटी होती है जो मेज़र करती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को या पार्टिकल्स को या जिसे हम क्या बोलते हैं केमिकल एलिमेंट भी बोला जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल एलिमेंट लाइक एटम मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है इट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ फोटोमैट्रिक विच डिस्क्राइब द विजिबल ब्राइटनेस ऑफ लाइट ये क्या होता है क्वांटिटी होता है फोटोमैट्रिक का फोटोमैट्रिक यानी लाइट से रिलेट करता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ फोटोमैट्रिक जो डिस्क्राइब करता है विजिबल ब्राइटनेस को लाइट की इसका यूनिट होता है ल्यूमन पर सेकेंड नेक्स्ट आता है आपका प्लेन एंगल स्टूडेंट्स प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं तो देखिए प्लेन एंगल क्या होता है एन एंगल विच फॉर्मड बाय द टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन एंगल होता है जो फॉर्म होता है टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन के द्वारा इस कॉल्ड प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल क्या होता है देखिए सॉलिड एंगल होता है आपका इट इज द टू डायमेंशन एंगल यह टू डायमेंशन एंगल होता है इन थ्री डायमेंशन स्पेस तीन डायमेंशन स्पेस पर ओके जिसका यूनिट क्या होता है स्ट्रेडियन होता है तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स की यूनिट्स की यूनिट तो देखिए क्या होता है फर्स्ट है किलोग्राम किलोग्राम क्या होता है इट इज द मास ऑफ द प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर यह मास होता है प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर का विच कैप्ट इंटरनेशनल ब्यूरो जो रखा हुआ होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट इन फ्रांस के अंदर इट इज कॉल्ड किलोग्राम अब इसमें होता है मीटर मीटर क्या होता है इट इज पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट ड्यूरिंग दिन अपॉन में की पावर एट मीटर पर सेकेंड ये आपका पाथ होता है जो ट्रेवल करता है लाइट के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम वन अपॉन में थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड के साथ इट इज कॉल्ड मीटर अब देखिए स्ट्रेंड्स अब बात करते हैं आपका सेकेंड का वन सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ नाइन वन नाइन नाइन सॉरी वन नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवन सेवन जीरो साइकिल ऑफ द रेडिएशंस के विच गैट एन एटम ऑफ सीजियम वन थर्टी थ्री टू वाइब्रेट बिटवीन टू एनर्जी स्टेट यानि वन सेकेंड जो ड्यूरेशन होता है इतने साइक्लिक रेडिशंस का होता है जो प्राप्त होता है एटम के सीजियम 133 से लेके वाइब्रेट होता है बिटवीन टू एनर्जी स्टेट तक दैट इज कॉल्ड सेकेंड अब आता है आपका कैलविन कैलविन होता है फ्रिक्शन ऑफ वन अपॉन में टू सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्सटीन थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर यानी यह फ्रिक्शन होता है वन अपॉन में टू सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्सटीन थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर का अब बात करते हैं हम कैंडेला कैंडेला क्या होता है इट इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सोर्स एंड एमिट द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी यह यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो देता है डायरेक्शन ऑफ सोर्स को और एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को इट इज कॉल्ड कैंडेला अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं देखिए किसका मोल का मोल होता है ए मोल इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन द मेनी कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स एक मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है या केमिकल सब्सटेंस होता है जो कंटेन्स करता है मेनी छोटे पार्टिकल्स को लाइक एटम मॉलिक्यूल्स आयंस नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रेडियन रेडियन क्या होता है देखिए इट इज सबटेंडेड अर्थ ये कोई सब्टेंडिक आर्क होती है जो रेडियस जिसका रेडियस इक्वल होता है वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट के तो देखिए हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है ओ ए बी ये आपका रेडियस हो गया ये आर्क हो गया जो कि इक्वल है वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट के बराबर तो क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका क्या होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस आर्क कितना हो गया एल और रेडियस कितना हो गया आर तो दैट इज कॉल्ड रेडियन अब बात करते हैं हम स्ट्रेडियन के बारे में तो स्ट्रेडियन क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स स्ट्रेडियन होता है इट इज द द एंगल एट सेंटर ऑफ स्पीयर टू द स्क्वेयर ऑफ रेडियस यह एंगल होता है सेंटर ऑफ स्पीयर से लेके स्क्वेयर ऑफ रेडियस तक तो देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आपका ये रेडियस आर है इसको डिनोट किया गया है डी ओम से और यह हो गया आपका डी ए दैट इज टोटल एरिया तो डी ओम इज इक्वल टू डी अपॉन में आर स्क्वेयर इट मींस सेंटर ऑफ स्पीयर टू द सेंटर ऑफ स्क्वेयर दिस इज कॉल्ड रेडियन थैंक यू चैनल को लाइक like कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच